ओके। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून सभी को। बहुत बहुत गुड आफ्टरनून मेरे साथ जुड़ने के लिए। आप अड्डा 24/7 पर मेरे संजय मिश्रा के साथ जुड़े हुए हैं, जहां पर यूपी लेखपाल की वैकेंसी, जो मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है, उन्हीं से रिलेटेड सेशन चलने वाले हैं। आपके सेशन चलने लगे हैं ये तो। मोस्ट अवेटेड वैकेंसी जो आपकी यूपी लेखपाल की है, उसी से जुड़े हुए कुछ क्वेरीज, कुछ डाउट्स, कुछ जो बच्चे तैयारी शुरू कर रहे हैं, कुछ शुरू करना चाह रहे हैं, कुछ लोगों ने शुरू नहीं की, सिलेबस जानना चाह रहे हैं, तो उन सभी के लिए एक सेशन लेकर आए हम लोग। रोज़ एक नए टॉपिक पर एक सेशन लेकर आते हैं। जीएस का किसी को डाउट होता है, किसी को ज्योग्राफी में डाउट है, किसी को यूपी जीएस में डाउट है, हर जगह पे जो डाउट्स हैं उन्हीं को लेकर हम लोग ये नया सेशन लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग यहाँ पर आपके सारे डाउट्स दूर करने वाले हैं। बिल्कुल मैक्सिमम से मैक्सिमम डाउट आपके दूर करने वाले हैं। जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, इसमें हम आपको क्वेश्चंस भी करवाएंगे। आज के सेशन का जो मेन टॉपिक है कि कैसे आप एग्जामिनेशन में, जो एग्जाम देते हैं आप, वहां पर आपको क्या क्या डाउट्स आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर देखो, सबसे पहले आते हैं इधर, कुछ बातें करते हैं आपसे। बहुत सारे बच्चों का डाउट, सर यूपी से क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो ये बैच है आपका, सबसे पहले देखिए बैच आपका, जो बैचेस हैं आपके वो देख लीजिए। ये तो मेरा आपका जो सामने लगा हुआ है प्रमोशनल, आप कैसे बैच को खरीदेंगे और डिस्काउंट आपको कैसे मिलेगा। मैक्सिमम डिस्काउंट्स के लिए आपको मेरा कोड यूज करना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग सर, बिल्कुल बिल्कुल जुड़ जाए मनोज का आंसर। बाकी लोगों को भी सेशन शेयर कर दीजिए, और हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे हाउ टू टैकल यूपी जी एस। हम यूपी जी एस के सेशन को कैसे अपने यहाँ पर टैकल करेंगे, यूपी जी के का सेशन कैसे होगा। दूसरा बता दूँ, आज दिल्ली पुलिस के बैच को लेने का लास्ट डे है, तो जो लोग दिल्ली पुलिस का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आज लास्ट डे उसको परचेज करने का, ठीक है। दिल्ली पुलिस के बैच को, जिसमें आपको फ्लैट 999 का बैच आपको मिल रहा है, तो उसमें लास्ट डे है, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। वेरी गुड, जल्दी से आदित्य किशोरनाथ, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल जल्दी से सभी लोग इसे। हाय उत्तम सर, बिल्कुल आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। और क्वेश्चन मैं आज यूपी कराऊंगा, टॉपिक होगा सेंसस। लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, देखिए आप बता दूँ, आरू 2017 में इतने टफ क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन इतने फैक्ट आ गए थे सेंसस से लेकर, करीब 6 से 7 क्वेश्चन लोग सेंसस को इतने हल्के में ले रहे थे। और इस बार सेंसस आएगा, क्योंकि देखिए जलते हुए जो जो दिया बुझने लगता है वो आखिरी बहुत तेज होता है। अब लास्ट सेंसस, मुझे लगता है ये आखिरी ऐसा कोई एग्जाम होगा, ये इस ईयर में ऐसे कोई आखिरी एग्जाम होंगे जिनमें ये 2011 की सेंसस पूछी जानी है। इसके बाद नई सेंसस आ जाएगी, आपको फिर से नए फैक्ट याद करने पड़ेंगे। अनीता मैम गुड आफ्टरनून, बिल्कुल गुड, हेलो सर, गुड गर्ल, बिल्कुल हेलो सर, बिल्कुल सभी लोग सेशन को शेयर कर दें, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट, पहले पूछा गया कैसे हम सेशन को खरीदेंगे, कैसे चीज़ों को खरीदेंगे कैसे। देखिए हम रेगुलर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते रहेंगे, नो डाउट, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी प्रैक्टिस चलती रहेगी। लेकिन अगर आप अपने सिलेक्शन के लिए बिल्कुल एक डिटेल थ्योरी और डिटेल प्रैक्टिस चाहते हैं, और ये एक्स्ट्रा जो प्रैक्टिस चल रही है यूट्यूब पे ये भी चाहते हैं, तो आपको एक नॉमिनल फीस देनी पड़ेगी, जिसमें डिटेल थ्योरी, नोट्स वगैरह सारा कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा। आपको नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसके लिए क्या करना होगा, आप जिस टॉपिक को या जिस सिलेबस को खरीदना चाहते हैं उस जगह पर जाएंगे, वहाँ पर आपका एक प्राइस दिया होगा। उस प्राइस से अगर आप प्रोमो कोड जैसे लगाते हैं, आप जोमेटो स्विगी जगह पर आप शॉपिंग करते हैं, वहाँ पर प्रोमो कोड लगाते हैं, तो ये प्रोमो कोड लगाएंगे जिसका नाम है Y257। याद करना बहुत आसान है, 2+5=7 होता है, 257, ठीक है, Y257। तो याद कर सकते हैं इसको वहाँ पर जब आप लगाएंगे तो वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब मैक्सिमम डिस्काउंट उस ऑफ उस चीज़ पर, उस परचेज पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ये मेरा रेफरेंस है, ये मेरे रेफरेंस से अगर आप वहाँ पर ज्वाइन करते तो, ठीक है। तो जल्दी से सेशन को ज्वाइन करें, बाकी लोग जो लोग आए थे वो भी ज्वाइन कर लें। क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे यूपी पुलिस के, यूपी से रिलेटेड, यूपी जीके में जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक, ठीक है। तो टॉपिक में जो सबसे पहले क्वेश्चन हम कराएंगे आपको, तरीका क्या होगा क्वेश्चंस को कराने का, जल्दी से, बहुत कम लोग हैं यहाँ पर, जल्दी से लोगों को सेशन शेयर कर दीजिए, आगे भी सेशंस कंटिन्यू करिए इसको, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन पर देंगे। देखिए पढ़ने का तरीका क्या होगा, यूपी जीके में देखिए सेंसस भी पूछा जाएगा, यूपी की ज्योग्राफी भी पूछी जाएगी, यूपी की पॉलिटी भी पूछी जाएगी, इकोनॉमिक्स भी पूछी जाएगी, यूपी का आर्ट कल्चर भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में रहता है, जल्दी से बताएं। ये क्वेश्चन दूसरा भी हो सकता है, 2001 से 2011 में जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है नहीं हुई है, ये भी हो सकता है, कंपैरिजन भी आ सकता है, तो जल्दी इसका आंसर दें। बिल्कुल मनोज सर, टेस्ट सीरीज भी होगी, बिल्कुल वन का ए आंसर बता रहे हैं बहुत सारे लोग, जल्दी से बाकी लोग जवाब दें इसका, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इसका, बाकी लोग भी जवाब दें जल्दी। गुड इवनिंग सर, बिल्कुल सोनन बघेल सर, जल्दी से जवाब दीजिए इसका, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। देखिए लेखपाल की वैकेंसी में आपको लगता है हल्के क्वेश्चन तो आएंगे, लेकिन कंपटीशन कट थ्रॉट होगा,
गला काट कंपटीशन होगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे उतने बहुत कम मेरिट का डिफरेंस होगा। मतलब कह सकते हैं अगर 85 है तो 86 में कई लोग आ जाएंगे, मतलब 1 मार्क्स के बीच में कई सारे लोग डिजर्व करेंगे। तो इसलिए आपको बिल्कुल कट थ्रॉट कंपटीशन के लिए बिल्कुल तैयार रहना और बहुत आगे निकल जाना लोगों से, जिससे देखिए कम नंबर वालों का सिलेक्शन हो रुक जाता है, एक नंबर कम हो गया सिलेक्शन रुक गया, लेकिन 2 नंबर ज़्यादा होने से सिलेक्शन से बाहर नहीं कर देंगे आपको कि आपके ज़्यादा नंबर आ गए। ठीक है, तो जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा जितने लोग भी हैं। तो आप बता दो, 2011 में जो जनसंख्या थी पूरे भारत का वो 16.51% थी। ठीक है, कितना, 16.51%, बिल्कुल डी ऑप्शन होगा इसका। और 2001 के कंपैरिजन पूछे, 2001 में कितना थी, तो 2001 में जो जनसंख्या थी 16.16 थी। ठीक, 2001 में थी 16.16 और 2011 में है 16.51, तो आंसर होगा डी ऑप्शन इसका। गुड इवनिंग काजल, जल्दी से इसको आगे शुरू करते हैं सेशन को, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखें जरा, अगला क्वेश्चन जो लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इस पर डिस्कस करेंगे ध्यान से। अब देखिए आगे क्वेश्चन पूछा गया, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है 2011 की जनगणना के बेस पर पूछा गया, कौन सा, सी ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन में 2001 में है वो, अब 2011 का डी होगा। ठीक है रोशन सर, बिल्कुल वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे देश की कुल जनसंख्या में कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश का रहा, ये तो आपको क्वेश्चन हो गया। दूसरा, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बारे में सही नहीं है, तो इतने सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जब आएंगे, बिल्कुल रोशन सर डी ऑप्शन, विनोद सर बिल्कुल ओके। अब देखिए जैसे क्वेश्चन यहाँ पूछा गया 2011 का क्वेश्चन जो पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, आप जल्दी ध्यान दीजिए, बिल्कुल सही होगा सर, बहुत सुपर तैयारी, मतलब इतना आप सोच सकते हैं, इतनी जबरदस्त तैयारी लेखपाल की होगी कि आई होप सो आपने, आपको दोबारा मौका कभी लेखपाल की वैकेंसी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, इतना जीएस में मैं कंफर्म कर देता हूं आपको, और बाकी सब्जेक्ट के टीचर भी इतने ही धुआंधार हैं। दूसरे का ए ऑप्शन बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ब्राजील की जनसंख्या से अधिक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट पूछा गया, उत्तर प्रदेश की में मुसलमानों की कुल आबादी भारत की कुल आबादी का 14.23% है, दूसरा स्टेटमेंट। उत्तर प्रदेश में सिख की आबादी जनसंख्या 1.72 है, बिल्कुल सही है। यदि उत्तर प्रदेश को एक देश के रूप में मान्यता दी जाता है तो यह दुनिया का छठा देश होता है। देखिए सर, अगर आप पहले स्टेटमेंट को सही कर रहे हैं तो ब्राजील विश्व का 5वां देश है जिसकी आबादी सबसे ज्यादा है, तो आपको बता दूं यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो गलत होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा, बिल्कुल काजल मैम डी ऑप्शन गलत है, यहाँ पर छठा देश नहीं 5वां देश होगा, क्योंकि ब्राजील 5वें नंबर पर ऑलरेडी, अगर हमारी जनसंख्या ब्राजील से ज्यादा है तो हम 5वें से भी नंबर पे डिजर्व करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन होगा 2 का डी, डी ऑप्शन होगा गलत, 2 का डी। देखिए सर फिर से समझाता हूँ, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अगर ब्राजील से अधिक है, इसका मतलब ब्राजील विश्व में 5वें नंबर पे आता है जनसंख्या के बेस पर, और उत्तर प्रदेश में मुसलमान बिल्कुल 14.23% ही है बिल्कुल कुल आबादी का। तीसरा, उत्तर प्रदेश में सिखों की आबादी 1.72 है, वेरी गुड, ये भी बिल्कुल सही है, 3 स्टेटमेंट सही है। देखिए क्वेश्चन ऐसे होंगे जिससे मैक्सिमम स्टेटमेंट के बारे में आप जान जाए सही स्टेटमेंट। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको 3 स्टेटमेंट पता चल गए कि मुसलमानों की आबादी कितनी है 14.23%, ये भी पता चल गया कि यूपी ब्राजील से ज्यादा आबादी वाला, मतलब ब्राजील ऑलरेडी 5वें नंबर पर है विश्व में, तो इसका मतलब यूपी या उससे ऊपर ही होगा, और छठा नंबर वाला स्टेटमेंट तो गलत होगा क्योंकि 6 नंबर हो ही नहीं सकता, इसलिए इसमें स्टेटमेंट नंबर 2 का डी गलत है, क्योंकि अगर हमने ब्राजील से अधिक बता रखी इसका मतलब हमारा यूपी 5वें नंबर से भी ऊपर डिजर्व करता है, तो आपका यहाँ पे होगा 2 का डी ऑप्शन, जो 2 का डी ऑप्शन बता के गए हैं वो लोग बिल्कुल सही है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा, देखो सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, हर एक क्वेश्चन से आपको कई सारे स्टेटमेंट क्लियर होंगे, अब पता चल गया सिखों का आबादी क्या है। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे सबसे कम आबादी यूपी में किसकी है, तो आपको पता होगा बौद्ध धर्म की, सबसे कम पॉपुलेशन किसकी, बौद्ध धर्म के लोग सबसे कम है यूपी में। ठीक है, अगर जनसंख्या के बारे में बात की जाए तो सबसे कम। अब पूछा कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे कम जो आबादी वाला राज्य, पूछा गया उत्तर प्रदेश 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है, जल्दी बताइए सबसे कम आबादी वाला जिला, जल्दी से सबसे कम आबादी वाला जिले के बारे में पूछा गया, सबसे कम आबादी किसकी है, जल्दी क्वेश्चन बताइए सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है, महोबा बांदा झांसी श्रावस्ती, जल्दी इनमें 4 में से ऑप्शन बताइए जल्दी से, तीसरे का ऑप्शन क्या होगा जल्दी बताएं। तो आपको बता दूं मैं, महोबा के बाद अगर बढ़ते हुए क्रम में आए तो महोबा के बाद कौन आता है, महोबा के बाद आएगा आपका श्रावस्ती, श्रावस्ती के बाद कौन आएगा, महोबा चित्रकूट हमीरपुर श्रावस्ती ललितपुर, ये इसका क्रम है, 3 का डी ऑप्शन। तो सर ऑप्शन इसमें जो सही होगा वो होगा महोबा, सबसे कम आबादी पूछा गया, सबसे कम आबादी किसकी है, तो श्रावस्ती की है, सबसे कम आबादी पूछी गई है, आबादी वाला जिला कौन सा है आपका, जल्दी बताएं सबसे कम आबादी वाला जिला,
सबसे कम आबादी वाला जिला है महोबा। महोबा से छोटे कौन कौन से हैं बढ़ते हुए क्रम में बताएं। महोबा के बाद कौन आता है सर बिल्कुल बताता हूँ। गुड आफ्टरनून बल्लभ भाई, बल्लभ भाई गुड आफ्टरनून, जल्दी से जल्दी देखें क्या होगा। महोबा होता है, महोबा के बाद है चित्रकूट, महोबा से बड़ा चित्रकूट है, चित्रकूट से बड़ा हमीरपुर है, हमीरपुर से बड़ा श्रावस्ती है और श्रावस्ती से बड़ा ललितपुर है। क्रम देखिए ध्यान से, महोबा होगा, महोबा के बाद चित्रकूट है, चित्रकूट के बाद हमीरपुर है, हमीरपुर के बाद श्रावस्ती है और श्रावस्ती के बाद ललितपुर है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो इसमें होगा आपका, देखो श्रावस्ती सबसे पिछड़ा या उसका कहते हैं आपका जो है एजुकेशन रेशियो जो है लिटरेसी रेट कम है। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन पे 2011 की चौथे नंबर क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिससे मैक्सिमम सारी चीज़ों को कंफर्म करना है। अगर महोबा के बाद पूछा जाए महोबा के बाद कौन आता है, तो महोबा के बाद चित्रकूट होगा, चित्रकूट के बाद हमीरपुर होगा, हमीरपुर के बाद श्रावस्ती, श्रावस्ती के बाद ललितपुर। मतलब टॉप फाइव और बैक लास्ट के फाइव, ये दोनों आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे कम आबादी वाले जिले का सही घटनाक्रम कौन सा है। सही, सबसे कम अधिक आबादी वालों जिलों का घटता हुआ क्रम, सबसे अधिक वाले पहले होंगे, सबसे कम वाले लास्ट में होंगे। तो जल्दी से बताएं इसका, जल्दी ऑप्शन बताएं, बाकी लोग गायब मत होइए, जल्दी से चौथे का आंसर बताइए आंसर क्या होगा, चौथे का आंसर क्या होगा जल्दी बताएं। इसमें फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो है उसका जवाब क्या होगा जल्दी बताइए। फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है उसका जवाब देखिए, सबसे कम अधिक आबादी किसकी है, इलाहाबाद, जो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना हमें इलाहाबाद की। उससे कम किसकी है, मुरादाबाद। उससे कम किसकी है, गाजियाबाद। उससे कम किसकी है, आजमगढ़। उससे कम किसकी है, लखनऊ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, नंबर सी, ऑप्शन नंबर होगा सी, सी ऑप्शन होगा सर। यहाँ पे ये पूछा कि आबादी पूछी गई, शहरी आबादी नहीं पूछी गई सर, शहरी आबादी नहीं पूछी गई है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर, शहरी आबादी नहीं है ये, ये पूछा गया आबादी के हिसाब से। इलाहाबाद में बहुत ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं आपको पता होगा, और ये जो सीटें होती हैं आपको देखो क्लू कहाँ से मिलेगा, सीटें इसलिए पता चल गया क्योंकि सीटें जहाँ ज़्यादा होंगी इसका मतलब नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा होंगे, क्योंकि भारत में जो सीटों का विभाजन हुआ जनसंख्या के आधार पर हुआ है ना, तो इलाहाबाद में सीटें बहुत हैं। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन आपकी गुप्ता सर, बिल्कुल सी ऑप्शन होगा, वेरी गुड। किसी अब देखो जहाँ विधानसभा सीटें ज़्यादा हैं, विधानसभा सीटों का भी क्वेश्चन आएगा, सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें कहाँ हैं, तो यही क्वेश्चन तो पता चलेगा, आबादी जहाँ ज़्यादा वहाँ विधानसभा सीटें ज़्यादा, तो आबादी कहाँ, इलाहाबाद की ज़्यादा, उससे ज़्यादा मुरादा, उससे कम मुरादाबाद, उससे कम गाजियाबाद, उससे कम आजमगढ़, सबसे कम लखनऊ। इन पाँच जिलों में सबसे कम क्या है, लखनऊ की है, ठीक है। हाँ सर, इसमें आपका जो पूछा ऑप्शन होगा, बिल्कुल रोशन सर आप जो बता रहे हैं, सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि किसकी रही, तो उसके लिए किसकी, गौतम बुद्ध नगर की। लेकिन अभी गौतम बुद्ध नगर की क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं आया है, गौतम आबादी के पूछा गया वृद्धि दर किसकी रही है, ठीक है, तो उस पर क्वेश्चन आया है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं पाँचवें नंबर पर, आपका ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगले पे आते हैं पाँचवें नंबर क्वेश्चन पर, क्योंकि देखो आपकी आबादी के हिसाब से तो होता है, जनसंख्या का हिसाब से तो सीटें बढ़ती हैं, भारत में जो सीटों का डिवीजन है वो जनसंख्या के आधार पे तो होता है, इसलिए जनसंख्या के आधार पे तो करना पड़ेगा, इसलिए नंबर ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा। आप देखिए पांचों क्वेश्चन आ चुका है आपके पास, पांचों क्वेश्चन बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। बिल्कुल सही, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहीं पर दो तीन क्वेश्चन और बन सकते हैं कि सबसे अधिक बाल जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, सबसे कम बाल जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, सबसे अधिक आपका लिटरेसी रेट वाला जिला कौन सा है, सबसे कम लिटरेसी रेट वाला जिला कौन सा है। अब ये सारी चीज़ें आपको टॉपिक वाइज आप डिटेल पढ़ेंगे, क्वेश्चन में जितना कराऊंगा उस क्वेश्चन का पूरा डिटेल करा दूंगा, लेकिन जो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बदलते हुए स्टेटमेंट है, जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं स्टेटमेंट आपसे बदल जाते हैं, तो उन पे बहुत सारे आपको क्लू चाहिए। अब जल्दी इसका आंसर बताइए, जल्दी लोग सभी लोग बताएं पांचवें का आंसर क्या होगा, पांचवें नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से, पांच नंबर जो क्वेश्चन उसका आंसर 15.41% होगा बाल जनसंख्या अगर देखी जाए यहाँ पर, तो 15.41 होगा। अगर कोई टोटल जनसंख्या पूछे तो कितना होगा जल्दी बताएं, 3,07,91,331, 3,07,91,331, जल्दी से ध्यान दीजिए। क्वेश्चन से आप लोग क्वेश्चन में बोर हो जाते हैं, मुझे नहीं लग रहा था क्वेश्चन में भी बोर हो जाते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया सिक्स नंबर पे, जल्दी बताइए सिक्स पे क्या होगा, सिक्स नंबर पे क्या होगा जल्दी क्वेश्चन पूछा गया। इसकी पीडीएफ आपको यूपीएससी चैनल पे मिल जाएगी अभी तुरंत,
यूपीएससी का जो चैनल है आपका यूपीएससी और स्टेट पीएससी अड्डा, वहाँ मिल जाएगा सर व्याख्या 2011 में। बिल्कुल सर, जो बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको बताया जा चुका है, इसका डिटेल मैं दे चुका हूँ। आज की पीडीएफ बिल्कुल मिलेगी सर, इसकी पीडीएफ भी मिलेगी आपको, जल्दी से आंसर दें इसका और सेशन को मैक्सिमम लोगों को शेयर करें जिससे ज़्यादा लोगों को डिटेल में समझने का मौका मिले। वहाँ तो आप क्वेश्चन देख लेंगे, आंसर देख लेंगे, बाकी समझने का मौका नहीं मिल पाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन पूछा कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश के लिए सही है। राज्य में आजमगढ़ का लिंगानुपात सबसे अधिक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, गौतम बुद्ध नगर राज्य में सबसे कम लिंगानुपात है, 2011 की जनगणना में राज्य का लिंगानुपात 928 है। स्वतंत्रता के बाद राज्य की जनसंख्या में सबसे अधिक वृद्धि 1991 के दशक में हुई। सही स्टेटमेंट पूछा जा रहा है आपसे 2011 के अनुसार, सही स्टेटमेंट पूछा जा रहा क्या है, तो जल्दी से आंसर दीजिए इसका, जल्दी से आंसर दीजिए। आप लोग इतने सारे लोग जुड़े, आंसर कहाँ क्या होगा, क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़िए कौन सा सही पूछा गया, इसमें चारों स्टेटमेंट सही कौन सा है, एक ही सही बाकी गलत है। तो राज्य में आजमगढ़ का लिंगानुपात सबसे अधिक है पूछा गया है, गौतम बुद्ध नगर का राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है, ठीक है, 2011 की जनगणना में राज्य का लिंगानुपात 928 है, दो स्वतंत्रता के बाद राज्य की जनसंख्या में सबसे अधिक वृद्धि 1991 में हुई, कौन सा क्वेश्चन होगा इसका सही, कौन सा सही पूछा गया है, सही पूछ रहा हूँ मैं। 6 का क्या होगा, 6 का बी होगा, सबसे सही बात कही, गौतम बुद्ध राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है, बाकी सारी बातें गलत है। सही स्टेटमेंट है गौतम बुद्ध नगर का लिंगानुपात कितना बताएं जरा, 851। अब देखो कैसे नापते हैं, 851 महिलाएं हैं इन कंपेरिजन टू 1000 मेल, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी, 851। तो सबसे कम लिंगानुपात किसका है, गौतम बुद्ध नगर का, उसके बाद किसका है, हमीरपुर और बागपत का सबसे, उससे ज्यादा है थोड़ा सा 861, और उससे ज्यादा किसका है, कानपुर और बांदा का 863। तो नंबर 1 पे कौन है, गौतम बुद्ध नगर, नंबर 2 पे कौन है, हमीरपुर बागपत, नंबर 3 पे कौन है, कानपुर और बांदा, 863 861। क्लियर, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 7वां नंबर क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछा गया, 2011 जनगणना के अनुसार यूपी की जनसंख्या का घनत्व कितना है, जल्दी से बताएं इसका आंसर। हाँ जल्दी क्वेश्चन आ चुका है, उसके बारे में बताएं जल्दी से, क्या क्वेश्चन आया आपका, 6 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही बता रहे हैं, सबसे कम लिंगानुपात वाला नहीं, 6 का बी ऑप्शन होगा, 6 का बी ऑप्शन, जितने भी लोग 6 का आंसर दिए उनका बी ऑप्शन होगा, ठीक है, जल्दी ध्यान दीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, जल्दी बताइए, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। औसत निवासियों की जनसंख्या का 829 प्रति वर्ग किलोमीटर, औसत निवासियों की संख्या का 382 प्रति वर्ग एक किलोमीटर, औसत निवासियों की प्रति वर्ग 829 और औसत निवासियों की संख्या का प्रति वर्ग मीटर 729। तो देखिए आपको यहाँ एक चीज़ बहुत ध्यान समझा दूँ मैं, सी और डी ऑप्शन तो बिल्कुल कैंसिल हो चुके हैं, रीजन क्या है, वर्ग मीटर नहीं होता, जनसंख्या घनत्व तो हमेशा वर्ग किलोमीटर पे निकाला जाता है, तो वर्ग मीटर तो बिल्कुल नहीं होगा, वर्ग किलोमीटर होगा, ठीक है, तो ये दो ऑप्शन तो खत्म हो गए, सी डी तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते, अब बचे दो ऑप्शन, 829 नहीं है, हमारे यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व तो है वो 382 है, यूपी का जो एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी है दैट इज 382, 382 वर्ग किलोमीटर, बिल्कुल ध्यान दीजिए बी ऑप्शन, आपको मैं इसलिए बता चुका हूँ, देखिए क्या है, 829 नहीं सर 382 है, ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर 382 होगा, 382 है वर्ग किलोमीटर यहाँ पर जनसंख्या का ना, 382 जो आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी है, 382 ध्यान से देखिए, 382 पॉपुलेशन डेंसिटी है, 382 पॉपुलेशन डेंसिटी यूपी की पूछी गई कितनी है, जल्दी बताएं पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ यूपी, देखिए आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, इसका मतलब आपको अभी पढ़ने की बहुत जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है तभी आप कंफ्यूज हो रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं रखना है भाई, सबसे पहले बात तो ये है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है यूपी की, 828 या 829, जल्दी बताएं पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, यूपी की पॉपुलेशन डेंसिटी जल्दी बताएं, रोशन सर ए ऑप्शन, रोशन सर ए ऑप्शन बिल्कुल सही, सर देखिए यहाँ पे सॉरी गलती हुई है आपका, 382 इंडिया की है, 829 आपकी यूपी की है, ठीक है, 829 यूपी के, वेरी गुड, 829 होगा 7th का आपका, आपका ए ऑप्शन होगा 829, यूपी की होगी 829 और इंडिया की है आपकी 382,
ठीक है, अब आगे हम लोग करते हैं। बिल्कुल सही है सर, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक था ऑप्शंस को देखकर। तो 388.29 जो आपकी यूपी की है, और 7 का बी होगा आपका जो पूरी इंडिया की। बिल्कुल सर, बिल्कुल वेरी गुड। हाँ सर बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल 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 ओके। 829 बिल्कुल इसके सर 829 होगी, और बी ऑप्शन होगा पूरे इंडिया की है, ठीक है वो बिल्कुल। और यहाँ पे ये दोनों गलत क्यों हो गए, सी ओ डी, क्योंकि सी ओ डी मीटर में दे रखा है जबकि होता है किलोमीटर में, तो सी ऑप्शन नहीं होगा। 8 क्वेश्चन पे आते हैं, 8वें नंबर क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन आप देखिए आपके सामने आ चुका है, 8वां क्वेश्चन जल्दी भी देखिए। 8वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बहुत धुआंधार क्वेश्चन है ये और बहुत ज़बरदस्त आंसर होगा इसका। बताएं जल्दी 8वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं 8वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से 8वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ज़बरदस्त, यहाँ पर होगा 829 जो होगा यूपी का था वो तो आप जान गए थे। हाँ, पूछा गया किस जिले में उत्तर प्रदेश के 2001 से और 2011 के बीच उच्चतम जनसंख्या में गिरावट अनुभव किया गया है। पूछा गया गिरावट, यहाँ पर ग्रोथ, डिकेडल ग्रोथ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दो तरह से हैं। अब देखो वहाँ गिरावट लिखा है, यहाँ पर ग्रोथ पूछा गया, तो इंग्लिश वाला थोड़ा सा सही करिएगा, ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। विच ऑफ द एक्सपीरियंस हाईएस्ट पॉपुलेशन डिकेडल ग्रोथ होगा। सर ग्रोथ की बात कर रहे हैं, गिरावट की बात नहीं कर रहे, ग्रोथ की बात पूछी गई है। हाइएस्ट ग्रोथ किसकी है, हाईएस्ट जल्दी बताएं। गौतम बुद्ध नगर, बिल्कुल सर गौतम बुद्ध नगर की हाईएस्ट ग्रोथ है, कितनी है हाईएस्ट ग्रोथ जल्दी बताएं। गौतम बुद्ध नगर में कितना परसेंट हाईएस्ट ग्रोथ है, डिकेडल ग्रोथ बताएं कितना है, हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ जल्दी बताएं, हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ कितना होगा जल्दी बताइए। 49.1%, 49.1% ग्रोथ है। दूसरे नंबर पर कौन आएगा, दूसरे नंबर पर जल्दी दूसरे नंबर पे कौन आएगा, जल्दी बताएं दूसरे नंबर पे कौन है, जल्दी से आंसर दें, जल्दी से कौन होगा जल्दी बताइए। इसके आगे हम लोग और बहुत कुछ करने वाले हैं। कौन से जिले में है सबसे कम ग्रोथ वाला जो जिला है, दैट इज श्रावस्ती। सबसे कम ग्रोथ जहां पे हुई है वो श्रावस्ती है। सबसे अधिक ग्रोथ जो हुई है वो कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर। ध्यान से देखिएगा, इसको बताता हूं मैं आपको, इसका एक्सप्लेन कर दूं। देखो गौतम बुद्ध नगर में जो सबसे अधिक ग्रोथ हुई है 49.1, दूसरे नंबर पर जो ग्रोथ रही है गाजियाबाद की 41.3, तीसरे नंबर पर रहा है श्रावस्ती दैट इज 30.5। आपका यहाँ पे पूछा जाता है क्वेश्चन सबसे कम ग्रोथ वाले, तो पूछा गया मे बी इलाहाबाद, ठीक है। तो ये आपका सबसे अधिक ग्रोथ जो है आपका क्या है, गौतम बुद्ध नगर। तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, तो यूपी का जीके जो होगा वो बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा। आपको बता दूं, मैं फिर से एक बात आपके दिमाग में बता दूं, ये जो यूपी का जीके है बहुत आसानी से हम लोग करेंगे। आसानी इन द सेंस कैसे, आसानी से ये करेंगे कि जितनी भी चीज़ें यहाँ पे आने वाली हैं वो सारी चीज़ें, अगर आप यूपी के लेखपाल का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, या आपके घर में कोई ज्वाइन करना चाहता है और चाहता है कि लेखपाल की वैकेंसी जब आए तो आप बिल्कुल क्वालिफाई कर जाएं, तो आपको सबसे कम रेट पर, अगर आपको जो प्राइस वहाँ लिखा हुआ है, जो प्राइस आपका 1800 समथिंग शो कर रहा है, तो आपको अड्डा के ऐप पे जाएंगे, वहाँ से जाएंगे 5% और छूट जाएगा, ठीक है। और ऊपर मेरा कोड अप्लाई कर देंगे तो और छूट जाएगा, ठीक है। तो जब आप वहाँ जाएंगे तो जितना भी प्राइस होगा उस पूरे बैच का, उससे कम में आपको ये बैच मिल जाएगा। करना क्या है, आपको कोई भी बैच लेना, चाहे वो दिल्ली पुलिस का बैच लेना, उसका कल से बैच शुरू दिल्ली पुलिस का, इसका UPPSC जो आपका लेखपाल का बैच 12 तारीख से शुरू है, और UPPSC का अगर आपको क्रैश कोर्स करना है, पूरा कोर्स करना है, कोर्स मतलब जो फाइन रिटर्न एग्जामिनेशन तक, तो उसका भी बैच शुरू हो गया। और सभी बैचों को खरीदने के लिए आपको एक ही कोड लगाना है बस, माई कोड जो है, मेरा जो कोड है Y257, ये प्रोमो कोड है, आप इसको कई बार यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल सर, कई बार इसको यूज़ कर सकते हैं, तो आपको जब अगर कोई चीज़ खरीदनी तो आप खरीद सकते हो। लेखपाल में जो भी चीज़ें होंगी बहुत डिटेल कराई जाएंगी, बहुत डिटेल में आप इसको रख सकते हैं, कोई भी चीज़ आप इससे परचेज कर सकते हैं। और टेलीग्राम में जुड़ने के लिए क्या करना है, UPSC एंड स्टेट PSC अड्डा 247 लिखना है, आपको इसका नोट्स मिल जाएगा वहीं पर, ये जो क्लास हुई 6 क्लास जो हुई। तो जितना जल्दी आप लोग जुड़ना चाहते हैं, जितने भी लोग आप जुड़ना चाहते हैं कि आपको लेखपाल के बैच में जुड़ना है या दिल्ली पुलिस के बैच में, किसी को भी बताना है, आप नहीं दिल्ली पुलिस में जाना चाह रहे, कोई और जाना चाह रहा, तो उससे कहिएगा कि ये चीज़ें आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है।
बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, नो डाउट सर। एग्जाम सारे क्लियर होंगे, बस रहते आपको पढ़ना है और अड्डा 24/7 से जुड़ना। देखिए आप कुछ लोग हैं जो पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते, कुछ लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं इतना अमाउंट, तो उनको सारी चीज़ें मिलेंगी। जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते उनको हम फोर्स नहीं कर सकते, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रही हैं। लेकिन जो लोग बैच ज्वाइन करेंगे उसमें हम लोग उनको थ्योरी भी बताएंगे प्लस प्रैक्टिस भी कराएंगे, और फ्री क्लास तो सभी के लिए फ्री है। ज़रूरी नहीं सबसे मैं कहूँ सभी एडमिशन लो, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो लोग चाहते हैं, तो उनके लिए क्या होगा, वो एक तरीके से चैनल को और बूस्ट कर रहे हैं, हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगे। क्योंकि जो चैनल को आगे रन करने में भी कुछ अमाउंट्स लगते हैं, मैक्सिमम नहीं लगता लेकिन हाँ कुछ माइनर अमाउंट लगते हैं, तो फैकल्टीज़ का तो नहीं लेकिन बाकी चैनल रन करने अमाउंट है ये। बाकी इतने कम पैसे में आपको नहीं लगता कहीं भी चलाया जाएगा, लेकिन जो क्वालिटी है वो बहुत ज़बरदस्त होगी। सर सर हम ग्रुप पे जुड़े हुए हैं आपसे, ये बहुत है सर। हाँ सर ग्रुप पे जुड़े हुए हैं, ग्रुप ही तो है हम जिससे आपको जुड़े हैं। सारी क्वेरीज आप वहाँ पूछिए, हम सारी चीज़ बताएंगे। ये जो आपका टेलीग्राम चैनल बनाया गया इसी के लिए बनाया गया कि आप कोई क्वेरी वहाँ पर फ्री पूछते रहे, टीचर का नाम लेके पूछे, टीचर ही जवाब देगा। अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे @ करके लिख दीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा क्योंकि मैं भी उस चैनल में जुड़ा हुआ हूँ। तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर से भी वही काम होगा जो आपका यहाँ पे टेलीग्राम पे होगा, और मैं इंस्टेंट रिस्पांस कर दूंगा विद इन आवर। मैं देखता हूँ एक बार जरूर उसको, तो एक घंटे के अंदर तो रिस्पांस आपका आ ही जाएगा, और अगर मैं तुरंत देख लिया तुरंत तुरंत ही आ जाएगा, मतलब मैक्सिमम ड्यूरेशन बताऊँ 1 घंटे में। और अगर आपको परचेज करना है तो आप लोग बिल्कुल बैच स्टार्ट करेंगे सर, बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, पक्का होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। जितने भी लोग और जुड़ना चाहते हैं लेखपाल से और मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं कि सर कम से कम फीस, तो कम से कम फीस का एक ही रीज़न है, आप अड्डा के ऐप पे जाएं और मेरा कोड लगाएं, आपको इससे कम डिस्काउंट किसी भी कोड से नहीं मिलने वाला। ये सबसे लोवेस्ट कोड का डिस्काउंट है, इससे कम डिस्काउंट और इतने कम फीस में। ये तो है डिस्काउंट तो सबसे कम हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन क्वालिटी बहुत ज़्यादा हाई रहेगी सर, क्वालिटी बहुत ज़्यादा हाई रहेगी, बिल्कुल ज़बरदस्त क्वालिटी रहेगा। आपको ये विश्वास हो जाएगा कि लेखपाल इस बार आप ही बनेंगे, ठीक है, लेखपाल आप ही बनेंगे, बिल्कुल कंफर्म है ये। ज़्यादा मैं दावा नहीं करता लेकिन आपको एक हफ्ते पढ़ने के बाद खुद एहसास हो जाएगा, और मेरी क्लासेस आप रेगुलर करते रहिए, आपको खुद ही एहसास होगा कि आपके अंदर चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर, आज के लिए बहुत काफ़ी है, फिर अगले सेशन मिलते हैं। थैंक यू, जल्दी से बैच आप लोग परचेस कर लें। Hmm.